रुकेंगे, जरा जल्दी चलो। जा तो रहा हूं ना सर। उस लड़ाई में तो जीत गए, लेकिन इस गाड़ी की लड़ाई लगता है जिंदगी भर चलेगी। सर, 7th स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक मिला तब पापा ने ये गिफ्ट की। ओहो, ऐसे कह रहे हो जैसे बोर्ड एग्जाम में गोल्ड मेडल मिला। आप सुंदरी को ओवरटेक क्यों कर रहे हैं? इसकी बेइज्जती करना चाहते हैं? ठीक है, जाओ जाओ। एक दिन आप मेरी गाड़ी को बहुत। ओहो, ये सब क्या है? किसने की ये तोड़फोड़? क्या हुआ? सुबह ऑफिस खोला तो देखा सब चीजें बिखरी पड़ी थी। रात में किसी ने आके तोड़फोड़ की। और कौन करेगा? प्रकाश ने ही किया होगा। रघु, वो कितने आदमी होंगे? कोई 200-300 लोग। हम यहाँ कितने हैं पता है ना? सिर्फ एक घंटा काफी है। उस वसुंधरा का ऑफिस और प्रकाश का ऑफिस सब मिट्टी में मिला देंगे। अरे हम ऐसा करें, यही तो वो लोग चाहते हैं। और उन लोगों ने यहाँ आकर तोड़फोड़ की है, इसका क्या सबूत है? सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगाया यहाँ पे। ऐसा किया तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हमारा नुकसान करके वो आराम से बैठा है। पैसे वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना रघु। My company's reputation has been damaged because of working with frauds like you. इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा गुनहगार है रघु वरन। हेलो, हाँ। जो प्रोजेक्ट मिला था उसे भी छोड़ना पड़ा। दूसरे लोग हमें प्रोजेक्ट देने के लिए भी झिझक रहे हैं। ऊपर से ऑफिस भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। बिना फंड्स के कैसे मैनेज होगा पता नहीं। या तो तुम्हारे घर के डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास कोलैटरल हैं उन्हें बेचकर तुम्हारे शेयर्स के जरिए फंड्स रेज कर सकते हैं, या फिर तुम्हारे हिस्से के 50% शेयर्स बाहर अलग अलग कंपनीज को बेचकर उससे फंड्स रेज कर सकते हैं। बट तुम अपनी ओनरशिप गंवा बैठोगे। तुम इस कंपनी में एक एम्प्लॉय बनकर रहोगे। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने शेयर सरेंडर कर दूंगा, बस एक एम्प्लॉय बनकर रहूंगा। क्यों रघु, जब तुम खुद की कंपनी शुरू करोगे तो उसे मेरा ही नाम दोगे ना? अरे नहीं, मेरे वीआईपी गैंग के लड़कों ने कितनी मेहनत की है, नाम तो वीआईपी कंस्ट्रक्शंस ही रखूंगा। हाय राम। ए, रहने दे, रहने दे। नहीं पापा, रहने दीजिए। आज सुबह अपने सारे शेयर सरेंडर करके आ गए। 7th स्टैंडर्ड से तुम हमेशा फर्स्ट आते रहे, फिर 10th में स्कूल में फर्स्ट, फिर +1 +2 में सबसे मुश्किल ग्रुप चुनकर इंजीनियरिंग में भी डिस्टिंक्शन। मगर तब मुझे इतना गर्व नहीं हुआ था। लेकिन जिस घर में तुम्हारी माँ ने आखिरी सांस ली उसे बचाने के लिए तुमने अपने सपनों का बलिदान दिया, आज सचमुच तुम पर गर्व हो रहा बेटा। और अब उसी कंपनी में तुम एम्प्लॉई बन के जा रहे हो, तो क्या हुआ? एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे। वो जो वसुंधरा है ना, उसने तभी कहा था मालिक बनने के लिए काबिलियत चाहिए, वो तुम में नहीं है। शायद वही सच है। अरे है कौन वो? शेयर्स नहीं तो क्या हो? सबको पता है वीआईपी कंस्ट्रक्शंस को किसने खड़ा किया। आज बॉस नहीं हो कल बन जाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट ही तो था तुम्हारा। आल्बर्ट आइंस्टाइन 300 बार नाकाम होने के बाद बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। सुनो बेटा, जो तुम्हारे मुकद्दर में है वो कोई नहीं छीन सकता। थैंक्स पा, लेकिन बल्ब इन्वेंट करने वाला आइंस्टाइन नहीं, एडिसन था। हाँ ठीक है ठीक है, वही। माँ भी ऐसी ही है, बार बार आकर हौसला बढ़ाती है। क्या बोल रहा है, तेरी माँ बातें करती है? जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ तब आंखें बंद करके सांस रोक के माँ पुकारता हूँ, तब वो आती हैं, फिर खुशी खुशी गपशप करते हैं हम दोनों। गपशप करते हो? अरे पगले, मुझे बोला किसी और को मत बोलना, जा जाके सो जा। ठीक है। हाँ, सच्चे मन से प्यार करेंगे तो आपके बुलाने पर भी आ जाएगी। जब जिंदा थी तब नहीं आती थी। ए, क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? हाँ? किसी ने रघु को फोन किया? नहीं बालाजी, अभी तक नहीं। रघु, आओ रघु, जरा वहां जाके देखो। हुआ क्या? कुछ पता नहीं। ये हमारे ऑफिस में क्या कर रही हैं? योर ऑफिस, माय ऑफिस। तुम्हारे हिस्से के 50% शेयर्स और बालाजी के हिस्से में से 25% खरीदने के बाद अब 75% शेयर्स मेरे हैं। और अब इस कंपनी की एमडी भी मैं हूं। इन्होंने ही खरीदे हैं, मुझे ये पता नहीं था रघु। वैसे शेयर्स अलग अलग ही बेचा था बालाजी ने, लेकिन वो सारी कंपनीज मेरी सिस्टर कंपनीज हैं।
तो अब VIP Constructions मेरी कंपनी है, एंड यू worthless. Get out. क्या हुआ सर? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ रघु. अरे तुम्हारे तो इस कंपनी में 25% शेयर्स हैं, तुम क्यों आ रहे हो? रहेंगे तो एक साथ, और जाना भी है तो भी एक साथ. शेयर्स बेचकर मिले हुए कुछ पैसे मेरे पास हैं, उसका कुछ करेंगे, पर इस बार कोलेट्रल तो नहीं चाहिए. अच्छा चलो चाय पीते हैं. कोई 200 चाय के जुगाड़ है तुम्हारे पास? क्या मतलब? उधर देखो. सब बाहर क्यों आ गए? सुनो यार, जो भी हो एक साथ ही रहेंगे. अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हम तो तुम्हें ठीक से तनख्वाह भी नहीं दे सकते. यहाँ रहोगे तो महीने के 50-60 हज़ार रुपए मिल जाएंगे. सिर्फ इतना ही नहीं, एक साथ इंडिया की नंबर वन कंपनी में इतने सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को एक साथ नौकरी मिलना इज इम्पॉसिबल. अंदर जाओ सब लोग. सुन यार, इंडिया की नंबर वन कंपनी, महीने की 50 हज़ार पगार, ये सब हमको नहीं चाहिए. बस हमको चाहिए एक दम और एक कटिंग चाय, और कुछ नहीं. कुछ भी समझ में नहीं आया. मैडम, रघुवरन कमिंग. क्या कह रही थी? VIP Constructions तुम्हारी है? अभी जो मेरे पीछे खड़े हैं ना, यही VIP Constructions है. और जो तुम्हारे पीछे है सिर्फ एक इमारत है, वो पैसा है. जितना भी जोड़ो, हाथ का मैल ही कहलाता है. ये मांस है, एक बार जुड़ गया ना, कभी नहीं हिलेगा. मेरे पापा ने मुझे एक एडवाइस दी थी, जो तेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता. तुम्हारे पास बहुत कुछ है, उसे कोई नहीं छीन सकता. और जो हमारा है. तुम सब क्या पागल हो गए हो? क्या सोच के, क्या देख के निकल पड़े? किसके भरोसे अपनी नौकरी छोड़कर इसके पीछे जा रहे हो? ये क्या तुम्हारा रिश्तेदार है, भाई है, क्या कोई बड़ा लीडर है? ये कौन लगता है तुम्हारा? दोस्त है मैम. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की. भाई वसुंधरा ने कंपनी टेक ओवर करके सभी लड़कों को बाहर निकाल दिया. वो अकेले जा रहा है ना? हाँ भाई, वो अकेला ही जाएगा. मैं देख लूंगा. मैम, पूरा स्टाफ जा चुका है. बाहर बारिश भी बहुत हो रही है और आप अब तक. जस्ट लीव मी अलोन. ओके मैम, आई विल वेट. जस्ट लीव. मेरी 50 एकड़ जमीन हाथ से निकल गई. तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे जाने दूंगा? मैं तुम सबको 2 मिनट का टाइम देता, उसके अंदर मुझे यहाँ से जाने का रास्ता दे दो, वरना. हाँ तो क्या कर लेगा बे? धो डालूंगा.
होते भी तू भागा नहीं वो चल भाग 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 देखो मेरी कोई गलती नहीं है तुम्हारी गुनहगार वसुंधरा है उसे मुझे यहाँ भेजा था मुझे